नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे गाइस। और बात करने वाला हूँ इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 3 के 19th एपिसोड के बारे में गाइस, जहाँ सेलिब्रेट किया गया इंडियन सिनेमा के 110 सालों को गाइस। और फराह खान स्पेशल गेस्ट बन के नजर आई इस एपिसोड में गाइस। तो जय भानुशाली शो का शानदार आगाज करते हैं, बुलाते हैं सबसे पहले परफॉर्मर को। तो सबसे पहली परफॉर्मेंस आती है बूगी LLB के साथ उनकी कोरियोग्राफर सौम्या कामले की गाइस। तो ब्लैक बाइक दौर को उन्होंने सेलिब्रेट किया अपनी परफॉर्मेंस के दौरान राज कपूर और नरगिस जी के कैरेक्टर में नजर आए बूगी LLB शो में कामले। जिस गाने के ऊपर उन्होंने परफॉर्म करा, दैट वाज ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा गाइस, फैबुलस पॉपिंग का जादू और चलता हुआ नजरा आ जा सनम मधुर चांदनी में हम और तुम मिले वीराने में भी कभी आ जाएंगे बाहर। गाने के ऊपर झूमते हुए नजर आए बूगी LLB और शो में कामले गाइस। अगर आपने इस परफॉर्मेंस को इस एपिसोड को मिस किया तो इसे आप सोने लगे आपके ऊपर देख सकते हो। कभी भी कहीं भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए गए फराह खान द्वारा और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया इस परफॉर्मेंस को हमारे जजमेंट पैनल गीतमा कपूर, सोनाली बिंद्रे और टेनिस लुइस कह रहा। तो बहुत ही कमाल की ये परफॉर्मेंस थी। अगली परफॉर्मेंस की बात करें तो अगली परफॉर्मेंस आती है सुष्मिता तमंग और सुबनील पॉल की गाइस। और ट्रिब्यूट दिया जाता है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को गाइस, जिस गाने के ऊपर इन्होंने परफॉर्म करा, दैट वाज गुनगुना रहे हैं भमरे खिल रही है कली कली गाइस। और फेबुलस बॉलीवुड डांस का जादू उनकी परफॉर्मेंस में चलता हुआ नजर आएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऑल अबाउट रियलिटी शो अपडेट के लिए। कौन सा कंटेस्ट ले जाएगा बिनेट की ट्रॉफी को क्या लगता है और कौन से कंटेस्ट का हो जाएगा सफर खत्म इस हफ्ते का स्टैंडिंग ऑविशन इनके इस परफॉर्मेंस को दी गई हमारे जजमेंट पैनल द्वारा, टेरेंस लुइस द्वारा और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स गीतामा कपूर और फराह खान द्वारा इस परफॉर्मेंस को दिए गए। और 30th फुल मार्क्स पाकर ये बेस्ट परफॉर्मेंस के दौर में भी नजर आएगी। तो बहुत बेस्ट विशेष सुष्मिता तमंग सुबनेर के लिए गाइस। नेक्स्ट हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अगली परफॉर्मेंस आती है हांसवी टॉक और अनुराधा की गाइस, जिन्होंने श्री दीजी देवी जी को ट्रिब्यूट दिया अपने परफॉर्मेंस उनके अकॉर्डिंग सॉन्ग्स के ऊपर गाइस। मेरी बिंदिया तेरी निंदिया ना उड़ा ले तो कहना गाइस, और फैबुलस बॉलीवुड डांस का जादू उनकी परफॉर्मेंस में झलकता नजर आया। मोरनी बागा में नाचे आधी रात में मेरे हाथों में नोनो चूड़िया, श्रीदेवी जी के अकॉर्डिंग गानों के ऊपर झूमती हुई नाचती थिरकती हुई नजर आई हांसवी टॉक गाइस। तो बहुत ही प्यारी ये परफॉर्मेंस थी, स्टैंडिंग ऑविशन इस परफॉर्मेंस को दी गई और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स भी इस परफॉर्मेंस को दिए गए गाइस। तो अगर कोई भी एपिसोड आप मिस करते हो तो इसे देख सकते हो सोनी लिव ऐप के ऊपर। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 3 की रेगुलर अपडेट के लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स गीतमा कपूर जी ने इस परफॉर्मेंस को दिए, तो फराह खान भी चुप नहीं रही और उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया इस परफॉर्मेंस को। टेरेंस लुइस ने भी भर भर के अप्रिशिएट किया इस परफॉर्मेंस को गाइस। तो बहुत कमाल की परफॉर्मेंस थी। अनिकेत एज सलीम एंड हांसवी एज अनारकली के कैरेक्टर में नजर आए और बहुत ही प्यारी एक्टिंग करते हुए नजर आई और कॉमेडी भी उनकी एक्टिंग में झलकती थी। हांसवी एज शांति प्रिया एक चुटकी सिंदूर की कीमत करते हुए नजर आए। नेक्स्ट हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अनिकेत चौहान और उनके डांस गुरु रूपेश सोनी अमिताभ बच्चन को ट्रिब्यूट देते हैं अपनी परफॉर्मेंस के दौरान। खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल सीधी कर दे सबकी चाल गाइस। और बॉलीवुड आप फ्री स्टाइल के साथ साथ पॉपिंग का जादू भी अपनी परफॉर्मेंस में झलकता हुआ नजर आया गाइस। आपका क्या होगा जनाबे आली पग गुंगरू बांध मीरा नाची थी जैसे अकानिक गानों के ऊपर थिरकते हुए नजर आए अनिकेत चौहान और रूपेश सोनी गाइस। तो क्या लगता है आपको, अनिकेत चौहान इस बार विनर की ट्रॉफी को ले जाएंगे या नहीं गाइस? जो भी होगा उसके लिए आपको इंडियाज़ बेस्ट डांस सीजन के अपकमिंग एपिसोड देखने पड़ेंगे। लेकिन बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स फराह खान गीतमा कपूर ने इस परफॉर्मेंस को दिए, तो टेरेंस लुइस ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया अनिकेत और रूपेश की इस परफॉर्मेंस को। बहुत ही कमाल की ये परफॉर्मेंस थी और अनिकेत की स्माइल बहुत ही कमाल की थी और उनका उसके बाद टेरेंस लुइस डांस करते हुए नजर आए खई के पान बनारस वाला के ऊपर सभी इंडियाज़ बेस्ट डांसर के कंटेस्टेंट्स के साथ गाइस। तो बहुत कमाल की परफॉर्मेंस थी। नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो अगली परफॉर्मेंस अक्षय पॉल और उनकी डांस गुरु वर्थ का झांकी आती है और ये ट्रिब्यूट था आरडी बर्मन जी के लिए गाइस। तो जिस गाने के ऊपर इन्होंने परफॉर्म करा, दैट वाज समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो बॉलीवुड डांस का जादू रेट्रो सॉन्ग्स के ऊपर थिरकते हुए नजर आए अक्षय पॉल और वर्तिका झा गाइस। और बैक टू बैक जाने जहाँ ढूंढता फिर रहा ये श्याम मस्तानी हरे कृष्णा हरे राम गुलाबी आंखें पिया अब तू
आचार्य जय जय शिव शंकर जैसे आर डी बर्मन जी के आइकॉनिक सॉन्ग के ऊपर डांस करते हुए वर्तिका झा और अक्षय पॉल नजर आए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स उनकी इस परफॉर्मेंस को दिए गए। फराह खान, गीता कपूर और टेरेंस लुइस द्वारा स्टैंडिंग ओवेशन इस परफॉर्मेंस को मिलती और फुल ऑन मार्क्स भी इस परफॉर्मेंस को मिलते हैं। तो बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी। नाचो नाचो गाने के ऊपर सभी कंटेस्टेंट झूमते हुए सेलिब्रेट किया गया इस गाने को इंडियाज बेस्ट डांस सीजन 3 के मंच पे हमारे कंटेस्टेंट्स द्वारा। गाइस नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अगली परफॉर्मेंस बिपुल और रक्तिम की आती है और ये ट्रिब्यूट था राइटर्स और शायर्स को। गाइस इंडियन सिनेमा के 110 साल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं तो सब हर किसी को ट्रिब्यूट दिया गया। और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है गाइस, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा आपकी आंखों में कुछ महके हुए राज हैं। बेख्याली गाइस जावेद अख्तर गुर्जर साहिब और इरशाद आमिर साहिर लुधियानपुरी जैसे दिग्गज राइटर्स के गाने जो सदाबहार रोमांटिक सॉन्ग्स हैं उनके ऊपर परफॉर्म करते हुए नजर आए बिपुल एंड रक्तिम गाइस। तो ये बहुत ही प्यारा एपिसोड था और फराह खान ने आके चार चांद इस में लगाए गाइस। तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स फराह खान ने भी इस परफॉर्मेंस को दिए। गाइस इस एपिसोड को मिस किया है या चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ऑल अबाउट रियलिटी शो अपडेट के लिए। और अगर एपिसोड मिस कर जाते हो तो उसे सोनी लिव ऐप के ऊपर देख सकते हो कभी भी कहीं भी गाइस। तो बेस्ट विशेस टू बिपुल और बहुत ही प्यारा ये एपिसोड था।